ಈಗ ನಾವೊಂದು ದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಯೋಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಯೋಗಿಜಿ ಜಿ अच्छा है. राम मंदिर का भूमि के लिए बहुत जागरूक है. अपने राम का नगरी में यही जगह के अंदर में राम भी विराजमान हो गए 500 साल से. राम झूले में थे तो भी राम आ गए हैं. बराबर सना धर्म के लिए योगी जी ने, मोदी जी ने अपने देश के लिए सना राम से बढ़कर कोई तीर्थ बड़ा नहीं है. बराबर ये राम भूमि है तो राम लल्ला ये भूमि में विराजमान हो गया. बराबर ये संत साधु किस इन पुण्य का ये जगह में है. पुण्य है तो ये जगह में मेरे रामलला आ रहे हैं. कितने समय से रामलला का कोई पता ही नहीं था, पर अभी ये रामलला के जगह में आने से पूरे जगह पे राम ही राम दिख रहा है. हमको ऐसा लग रहा है कि ये जगह में आके अपने हृदय का परमात्मा इधर ही है. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಯೋಗಿಗಳು ಸಾಧು ಸಂತರು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮನ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯದಷ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ.